आज मैं बनाने जा रही हूँ पिरिकिया। सबसे मैं पहले मैं एक कढ़ाई गरम करूँगी। मैंने इंडक्शन पे चढ़ाया, अब गैस पे किसी पे चीज़ पे भी गरम कर सकते हैं। एक कढ़ाई मैंने चढ़ाया है, वो गरम हो गया तो मैंने घी डाला है। अब मैं इसमें सूजी डालूँगी। आप देख लीजिए, आपको सूजी वाली बनानी है तो आप ज़्यादा सूजी डाल सकते हैं, वैसे थोड़ा कम भी सूजी डालेंगे तो चलेगा। तो अपने हिसाब से सूजी डालिएगा। अब सूजी को मैं फ्राई करूँगी, हल्का रेड आने तक इसको फ्राई करेंगे धीरे धीरे, हल्के हल्के फ्लेम पे चलाते रहेंगे कि वो जले नहीं सूजी हमारा। देखिए हमारा कलर चेंज हो रहा है सूजी का, ऐसे ऐसे ही कलर चेंज होगा। मैं पूरी तरह से आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि कुछ छूट ना जाए आप लोगों से। तो देखिए सूजी रेड हो रहा है हमारा, कलर चेंज हो रहा है सूजी का। अब मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो अब मैं इसमें इसको मैंने कम कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मावा डालूँगी। मेरा सूजी लगभग आधा केजी से थोड़ा सा कम था और मैंने आधा सूजी में लगभग 200 ग्राम मावा डाला है। मावा मैंने घर पे ही तैयार किया था। अब इसमें इलायची डाला है, इसमें स्मेल आने के लिए, इलायची का फ्लेवर अच्छा होता है इसलिए इसमें इलायची डाला है मैंने। अब थोड़ा सा इलायची देके और मावा इसमें मिक्स हो जाए इसलिए थोड़ी देर रखेंगे इसको। अब ये बन गया है। इधर मैं मैदा जो है इसको अच्छे से गूंदूंगी। तो ये इतना मैदा मैंने लिया है, ये 1/2 kg है मैदा, 500 ग्राम। इसमें रिफाइन ऑयल डाली हूँ। अब इसको रिफाइन ऑयल अच्छे से डालेंगे कि जो पिरकिया है उसका वो मोइन अच्छे से बने। जैसे हम निमकी बनाते हैं उतने ही रेशियो में हम पिरकिया में रिफाइन डालते हैं। तो अच्छे से देखिए जैसे रिफाइन डाल रहे हैं ना, तो हल्का मूठा जैसा होना। और अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे। अब क्या है ना कि जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो मतलब देखिए जैसे तलहटी से मिक्स करना है, और इसको हमेशा गर्म पानी से ही साने, इसको गर्म पानी से सानने से ना ये कुरकुरा और क्रिस्पी होगा। देखिए ये ऐसे मुट्ठा बनने लगेगा। बहुत ज़्यादा भी रिफाइंड मत डालिएगा नहीं तो बेलने में फिर दिक्कत होगी। बट ऐसे रहने, देखिए गर्म पानी है ये खौलता हुआ। अब मैं धीरे धीरे पानी डालेंगे, टाइट आटा जो है ना वो अच्छे से कड़ा सानेंगे, एकदम गीला नहीं सानना है, कड़ा कड़ा आटा सानना है मैदे का। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पानी ऐड कर कर के हम आराम आराम से, एकदम गर्म पानी डालिएगा। गर्म पानी से अच्छा मोइन वो जो होता है ना, वो कुरकुरा अच्छा होता है। देखिए सानते सानते एकदम टाइट हो गया है, अच्छे से सना गया है, ये दिख रहा होगा आपको कि एकदम कड़ा है ये पिरकिया का मैटन। अब इसकी मैंने छोटी छोटी लोई बना के रख ली है। अब इस लोई, ये जो इतनी छोटी छोटी बनाएंगे लोई, अब छोटी छोटी लोई को मैंने छोटी छोटी पूरी के साइज़ में बेल लिया है। रिफाइन लगा के इसको आटे के बर्तन से नहीं सेकेंगे, इसको एकदम से रिफाइन लगा लगा के, रिफाइन ऑयल या घी लगा के अगर हम बेलेंगे ना तो हमारा सेट चिपकेगा नहीं। अब ये है, इसमें मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ जो कि मैंने पहले नहीं डाला था। काजू, ये है काजू, इसको क्रश करके मैंने डाला है काजू। काजू है, एलमंड है, और फिर इसमें मैं किशमिश डाला है मैंने, देख सकते हैं किशमिश है, काजू, एलमंड और किशमिश। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, मिक्स हो गया है मेरा पूरा। अब इसको मैं पिड़किया वाले स्टैंड है, मैं इसमें डाल के इसको भर दूंगी।
अब ये गुजिया वाला जो भी बोले आप, पिरुकिया, हम लोग के बिहार में इसको पिरुकिया बोलते हैं, बाकी जगह गुजिया भी बोलते हैं इसे। तो अब इसके स्टैंड में मैं डालूँगी, दोनों साइड डाल रही हूँ। अब पानी लगाएंगे, चारों साइड पे पानी लगाएंगे। पानी लगाने से ना ये बंद अच्छे से होगा, जहाँ भी पानी नहीं लगेगा तो वो खुल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि चारों साइड पानी लगाना है हमें। अब ये चारों साइड पानी लग गया है, अब इसको आराम से बंद करना है और उसके बाद टाइट कर देना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आराम से बंद किया है। अब इसके एकदम टाइट कर दीजिएगा। इसके बाद इसके बाहर वाले को, सारे को निकाल के हटा देंगे हम। ये मैंने निकाल के हटा दिया, देखिए अब ये निकल गया सारा। जो भी साइड साइड का आटा था, वो मैदा था, उसको मैंने निकाल दिया। अब देखिए ये गुजिया वाले स्टैंड से ये निकलेगा, ये देखिए ये बन गया। ये बहुत इजी होता है स्टैंड में बनाने से। वैसे मैं आप लोगों को मेरने वाला भी रेसिपी बताऊंगी, बट ये जो है ना ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। हमें ज़्यादा गुजिया बनाना है तो हम ये स्टैंड में डाल के, मैंने सारा देखिए इसी तरह से मैंने सारे गुजिया को बना लिया है। ये टाइट से भरा है अच्छे से, अच्छे से भरा है। अब इसको रिफाइन ऑयल गरम करेंगे, उसके बाद इसमें इसको तलना स्टार्ट कर देंगे। फ्राई कर रहे हैं अब इसको हम गरम गरम तेल में, गरम गरम रिफाइंड या घी, घी में हम इसको तलेंगे, तेल में नहीं, सरसों तेल में हमको इसको नहीं तलना है, या तो रिफाइंड में या तो घी में। अब इसको आराम आराम से कीजिएगा कि ये जले नहीं, क्योंकि ये बहुत पतला लेयर है ना, तो जल्दी ही जलने लगेगा। तो याद रखिएगा कि जले नहीं, इसको आराम आराम से धीरे धीरे हम पलटते रहेंगे। अब देखिए ये हमारा इस कलर में आ गया है, अब ये लगभग बन चुका है हमारा। अब मैं धीरे धीरे इसे निकाल लूँगी एक बर्तन में, एक प्लेट में। जो जो बनते जा रहा उसको मैं पहले निकालते जाती हूँ, देख लेती हूँ कि हो गया है, तो उसको पहले मैं निकालते जाती हूँ। देखिए ये बन गया है, कलर आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब भी हो गया है, तो मैंने इसे भी निकाल दिया है। ये भी हमारा हो गया है, अब रेड कलर हल्का चेंज हो गया है, तो मैंने अभी से भी निकाल दिया है। इसी तरह मैं सारे पिरुकिया को अच्छे से रिफाइन में या घी में हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुका है मेरा, इसी तरह मैंने सारे फ्राई कर लिए। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।